हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एकदम सॉफ्ट और एकदम दानेदार पेड़े की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अभी फेस्टिवल चल रहे हैं तो आप इसको बना करके खा सकते हैं। रक्षाबंधन पर भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं और सिर्फ एक चम्मच घी से हम बना करके तैयार करेंगे और इन पेड़ों को हम यहाँ पर बनाएंगे सेवियों से। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो इन पेड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर बनानी है चाशनी। तो हमें यहाँ पर कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें चीनी को मेल्ट करना है। एक दो मिनट के लिए हमें यहाँ पर इसको उबालना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेना है एक कप नाप करके पानी और एक कटोरी हमें यहाँ पर डालनी है चीनी। आप चाहें तो यहाँ पर कटोरी से पानी भी नाप करके डाल सकते हैं। जितना पानी लेना है उतना ही हमें यहाँ पर चीनी को डालना है। अब हमें यहाँ पर लेना है थोड़ा सा फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर येलो कलर का फूड कलर लिया है, इससे जो मिठाई का कलर है बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर डाल देना है। अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से उबाल लेना है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई रखनी है। अब हमें यहाँ पर डाल देनी है इलायची। तो मैंने यहाँ पर दो इलायची ली है, उसको हमें इस तरीके से कूट करके डाल देना है। आप चाहे तो यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो यहाँ पर केसर के धागे भी डाल सकते हैं, लेकिन केसर से इतना अच्छा यहाँ पर कलर नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फूड कलर डाला है। चाशनी जो अच्छे से बन करके तैयार हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसको हल्का सा चिपचिपा करना है। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देना है, इसको हमें साइड में रख देना है। अब हमें यहाँ पर लेनी है एक कटोरी और हमें यहाँ पर लेनी है सेवियाँ। तो मैंने ये हाथ की टूटी हुई सेवियाँ ली हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मार्केट की जो आती है वो भी ले सकते हैं, जो पतली पतली सेवियाँ आती हैं मार्केट से वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी जवे लिए हैं और इसको मैंने पहले से रोस्ट करके रखा हुआ है। तो अगर आपने पहले से भून करके नहीं रखी हुई है, अगर आपने अभी लिया है मार्केट से, तो आपको यहाँ पर भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बाद में इसको भूनेंगे। तो आपके पास भुनी हुई रखी है तो और भी अच्छा, नहीं है तो भी ऐसे भी आप इसको डाल सकते हैं। तो एक कटोरी नाप करके हमने यहाँ पर लिए सेवियाँ। इसी कटोरी से नाप करके हमने यहाँ पर चीनी ली थी। तो हमने यहाँ पर एक कटोरी का मेजरमेंट लिया है। आपको जिससे भी मेजरमेंट करना है, कटोरी कप से आप बराबर उसे कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इसको बिल्कुल फाइन सा पीस करके तैयार कर लेना है। ये हल्का सा दरदरा पिसेगा, लेकिन आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही दानेदार और बहुत ही बढ़िया पेड़े हमारे बन करके तैयार होंगे। तो बस यहाँ पर हमें इतना इसको पीस करके तैयार करना है। यहाँ पर आपको इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमें यहाँ पर इसको साइड में रख देना है और गैस पर हमें यहाँ पर एक कढ़ाई को चढ़ा देना है। और अब हमें यहाँ पर डाल देनी है पीसी हुई सेवियाँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें डाल देनी है सेवियों को और हमें यहाँ पर इसको बिना घी के भूनना है। अगर आपने यहाँ पर इसको नहीं भुना हुआ है तो भी आपको यहाँ पर इसको ड्राई रोस्ट करना है। एक चम्मच घी से हम यहाँ पर इतने स्वादिष्ट पेड़े बना करके तैयार करेंगे। जिन लोगों को मिठाई खाना पसंद है लेकिन ज़्यादा घी के चक्कर में वो लोग खा नहीं पाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया मिठाई है और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर लो टू मीडियम रखनी है और लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसको रोस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको पहले से ही रोस्ट किया हुआ है। अगर आपने यहाँ पर पहले से रोस्ट नहीं किया है तो आप इसको यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको 1 मिनट के लिए इस तरीके से हल्का सा चला लिया है। और अब हमें यहाँ पर डाल देना है चाशनी को, जो हमने चाशनी बना करके रखी हुई थी। तो एक बारी में हम यहाँ पर सारी चाशनी को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर डालेंगे। जितनी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती जाएगी उतना हम यहाँ पर चाशनी का पानी डालते जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ी सी चाशनी फालतू बना लेते हैं और जो हमारे पेड़े हैं वो अच्छे से नहीं बन करके तैयार होते हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएँ। इस तरीके से डालने से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर चाशनी को कितना डालना है। वैसे यहाँ पर अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा, कम ज़्यादा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपकी जो मिठाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी और बिगड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है और यहाँ पर जो ये पानी है पूरा ही लग गया है। तो एक कटोरी सेवियों के लिए 1 कप पानी यहाँ पर काफ़ी है। तो इस तरीके से हमें लगातार चलाते जाना है ताकि इसके अंदर गांठे ना पड़े, और थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर पानी ऐड करते जाएंगे। और गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर बिल्कुल लो कर देनी है इस टाइम पर, बाद में हमें यहाँ पर मीडियम गैस की फ्लेम कर देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारा पानी डाल दिया है। तो बस इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको लगातार चलाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है गांठे बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, इस तरीके से लगातार हमें चलाते जाना है। और यहाँ पर बहुत ही कम सामान के साथ हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई बन करके तैयार हो जाती है।
आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से बादाम या फिर काजू आप पीस करके डाल सकते हैं अगर आप यहाँ पर इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो, या फिर आप यहाँ पर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से भी बहुत ही टेस्टी हमारे पेड़े बन करके तैयार होते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो 2 चम्मच हमें यहाँ पर नारियल का बुरादा डाल देना है। आप इनमें से जो भी पसंद करते हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या तो नारियल का बुरादा डाल सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स पीस के डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा डाला है और इस तरीके से हमें लगातार इसको चलाते जाना है और 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। तो बस लास्ट में हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 1 चम्मच देसी घी। ज़्यादा हमें यहाँ पर घी नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और बस इसको हमें 1 मिनट के लिए और पका लेना है। इस तरीके से घी डालने के बाद इसको अच्छे से हमें चला देना है और इसको हमें पका लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने पैन को छोड़ना बिल्कुल शुरू कर दिया है। तो बस यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर लेनी है एक प्लेट और पेड़े के इस मिक्स को हमें डाल देना है प्लेट में और उसके बाद हमें यहाँ पर इसको ठंडा होने देना है। इतना ठंडा करना है कि हम इसको हल्का सा छू सकें। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए पंखे की हवा में इसी तरह से छोड़ देना है। ये बहुत ही जल्दी से ठंडा हो जाएगा और इतना करना है कि ताकि हम इसे आराम से छू सकें। इस तरीके से चम्मच की मदद से हमें इसको हल्का सा फैला देना है ताकि जो हमारा मिक्स है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स मिक्स जो है हल्का सा ठंडा हो चुका है, आराम से हम इसको छू सकते हैं। तो इतना ही हमें यहाँ पर इसको ठंडा करना है। अब इसको ठंडा करने के बाद दूसरी प्लेट में हमें यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर लेना है और हमें यहाँ पर हाथों पर हल्का सा देसी घी लगा लेना है ताकि जो हमारे पेड़े हैं वो अच्छे से बन करके तैयार हो, अच्छे से शाइन आए पेड़ों के ऊपर। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें यहाँ पर पोर्शन लेना है और आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको राउंड राउंड किया है और उसके बाद इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको ये वाली शेप दी है। आप चाहें तो यहाँ पर इसके रोल रोल भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से गोल गोल पेड़े भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो शेप आप यहाँ पर अपनी पसंद की दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स देखने में कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हो, कितना प्यारा कलर आया है और खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप एक बार इसको बना करके खा लेंगे तो आप बार बार इसी तरीके से पेड़े बनाना पसंद करेंगे। और त्योहारों पर ये बहुत ही सस्ती और बहुत ही बढ़िया मिठाई हमारी बन करके तैयार जाती है। तो यहाँ पर मैंने पेड़े को बना लिया है और इसी तरीके से बाकी के सारे पेड़े हम बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सारे पेड़े हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम करेंगे इसकी गार्निश। तो मैंने यहाँ पर चांदी का वर्क लिया है और इस तरीके से हमें हाथों पर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर सारे पेड़ों पर चांदी का वर्क लगा देना है। आप चाहें तो यहाँ पर खाली ड्राई फ्रूट से भी इसकी गार्निश कर सकते हैं या फिर इस तरीके से चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो सभी पेड़ों पर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पर चांदी का वर्क लगा करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चांदी का वर्क लगा दिया है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे पेड़े बन करके तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम से भी इसकी गार्निश की है और हमारे बहुत ही बढ़िया पेड़े बन करके तैयार हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स कितने सॉफ्ट एकदम दानेदार हमारे पेड़े बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स एकदम सॉफ्ट दानेदार हमारे पेड़े बन करके तैयार हुए हैं। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, बच्चे हों बड़े हों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आप मेहमानों को खिलाएंगे तो मेहमान भी पूछेंगे आपने ये कैसे बनाई है। तो एक कटोरी सेवियों से हमारे इतने स्वादिष्ट पेड़े बन करके तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।